फ्रेंड्स एंट्री कर रहा हूँ अंदर मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए और व्यू लेते हैं अंदर का। मनुष्य और हाथी का संबंध सदियों पुराना है। प्रथम शताब्दी ईसापूर्व से 19वीं शताब्दी तक हाथियों ने मनुष्य के पारस्परिक संग्राम तथा धार्मिक उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय महाकाव्यों ने हाथी को गजनाग दीर्घ हस्ती करेणु गंती आदि के नामों से जाना गया है। हाथी को उनकी अद्भुत शारीरिक शक्ति बुद्धि कौशल तथा मनुष्य के साथ इनका उपयोग जंगलों के लट्ठों से तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। उनका महत्वपूर्ण उपयोग एक उद्योगी वस्तु के रूप में होता था। हाथी आदमी तथा घोड़े को समान रूप से कुचल सकते थे। वे उनको उठाकर फेंकने में तथा अपने दांतों तू और तलवार वहन करने के रूप में उपयोग कर सकते थे। हाथी और महावत के बीच का संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण एवं गहरा होता है। महावत हाथी की गर्दन समझकर पैरों और अंकुश की सहायता से उसे दिशा निर्देश देता है। हाथी चलाने वाला राइडर हाथी करती है। ये है हाथी हौदा। हाथी हौदा क्या होता है? लकड़ी की फ्रेम में उभरी हुई पॉलिश की गई चांदी की मोटी परत के साथ बना लताओं और चार पत्ती फूल जो भव्य व्यापक शैली की पत्तियों के साथ सजाया हुआ है तथा सिंहासन के आधार में सिंह स्तंभ स्थापित है जिन पर भी चांदी मड़ी हुई है। वुडन फ्रेम एनकेस विद थिक एम्बोस्ड सिल्वर पॉलिश्ड फॉयल डेकोरेटेड विद लविश स्टाइलाइज्ड ब्रॉड लकड़ी की फ्रेम में उभरी हुई पॉलिशी गई चांदी की मोटी परत के साथ बना लताओं और चार पत्ती फूल जो भव्य गया यहाँ पर चांदी की पत्तियों के साथ सजाया हुआ है तथा सिंहासन के आधार में सही सिस्टम स्थापित है जिन पर भी चांदी मरी हुई है। ये भी हाथी हौदा है।
महाराजा जसवंत सिंह जी 1649-78 को बादशाह शाहजहां की ओर से विशेष सम्मान चिन्ह के रूप में 1657 में हाथी हौदा प्रदान किया गया। लकड़ी निर्मित इस हौदे पर चांदी की पॉलिश की हुई नक्काशीदार परत चढ़ी हुई है। इसमें पुष्प पत्तियों की नक्काशी बहुत सुंदर है। यह हौदा 3 खंडों में विभाजित है, शाही आसन और मध्यवर्ती भाग, जिस पर आगमन के लिए दरवाजे लगे हैं तथा पीठ के पीछे का ऊंचा स्थान अंगरक्षक के लिए है। हाथी हौदा चांदी मिश्रित लकड़ी की फ्रेम, जिस पर राज्य चिन्ह एवं ढोल का निशान अंकित है। इसका पैंदा हस्त निर्मित कपड़ों से बना हुआ है तथा इसमें आयताकार एक ही भाग है। हाथी हौदा लकड़ी से निर्मित फ्रेम से बना हुआ, जिसमें दर्पण लगाए गए हैं। पूरे फ्रेम पर सोने का पानी चढ़ाया गया है तथा पूरे ढांचे को लोहे की पत्तियों से बने ढांचे से दृढ़ता दी गई है। छाता हल्के भूरे रंग की रेशमी छत को की गई चांदी सोने के धातु से बना हुआ है। हाथी हौदा लोहे की फ्रेम में उभरी हुई लकड़ी की मोटी परत के साथ बना, लताओं और चार पत्ती फूल जो भव्य व्यापक शैली की पत्तियों के साथ सजाया हुआ है। हाथी हौदा चांदी मिश्रित लकड़ी की फ्रेम, जिस पर राज्य चिन्ह एवं ढोल का निशान अंकित है। इसका पैदा हस्त निर्मित कपड़े से बना हुआ है तथा इसमें आयताकार एक ही भाग है। चांदी मिश्रित लकड़ी की फ्रेम, जिस पर राज्य चिन्ह एवं ढोल का निशान अंकित है। इसका पैंदा हस्त निर्मित कपड़ों से बना हुआ है तथा इनमें आयताकार एक ही भाग है तथा इसमें आयताकार एक ही भाग है। हाथी हौदा गुंबदाकार आकृति लिए लकड़ी की एक फ्रेम है, जिसे सोने की पानी मखमल की उत्कृष्ट सजावट है।